नमस्कार दोस्तों, अपना युद्ध चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मंजू सोनी। दोस्तों, जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र ग्रहण को एक अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है। ग्रहण योग को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना भी गया है। इस योग का निर्माण तब होता है जब राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य के साथ युति बनाते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहण योग बनता है उसका जीवन परेशानी से भरा रहता है। व्यक्ति को तनाव और भ्रम की स्थिति का बहुत सामना करना पड़ता है और इसका असर उसके बिजनेस कैरियर और तमाम तरह की परेशानी को उसको सामना करना पड़ता है। तो जानिए इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण कब लगने जा रहा है। हाँ जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। इसके अनुसार इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि पर विराजमान होगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब चंद्रग्रहण लग जाता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, जिससे हमें पूरी तरह से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण के समय कुछ कार्य करने की इजाज़त है, तो कुछ कार्य करने की मनाही है, 37 मनाही के वर्जित किए गए हैं। चलिए जानते हैं कि चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले क्या कर लेना चाहिए, क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। चंद्रग्रहण काल में अपने इष्ट देव देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्रग्रहण का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है, नहीं पड़ता है। चंद्रग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चंद्रग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना गया है। चंद्रग्रहण समाप्त हो जाता है तो स्नान आदि करके दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ये तो हो गई थी चंद्रग्रहण से पहले हमें क्या क्या तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, लेकिन अब हम जानते हैं कि जब चंद्रग्रहण लग जाए उस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। चंद्रग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ कार्य करना नहीं चाहिए, भगवान की पूजा वगैरह बंद कर देना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को भी नहीं छूना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार के मंदिर में जाना चाहिए। चंद्रग्रहण लगने के पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, फिर से स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद लोगों को स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भोजन में चंद्रग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और गर्भवती स्त्रियों को अपने पास नारियल का गोला रखना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान हमें कोई भी चीज़ काटना उठना नहीं चाहिए, बस भगवत जप करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान भोजन और बनाना और खाना दोनों वर्जित होता है। ऐसा करने से ग्रहों के बदलाव से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ निगेटिव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य अमान पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रग्रहण के दौरान किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना भी वर्जित है। जब चंद्रग्रहण लगा हो तो गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनको चाकू आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह चंद्रग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से दर्शनीय होगा। साल के इस आखिरी चंद्रग्रहण पर राशियों का भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में चंद्रग्रहण का टाइम सुबह 11:34 से चंद्रग्रहण शुरू हो जाएगा 19 नवंबर को शुक्रवार दिन, जो शाम को 5:33 पर खत्म होगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान उन बातों को जो मैंने वीडियो में बताया ध्यान रखना चाहिए। कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए।